ले लो कुछ भी करो, लेकिन 1.5 लाख वाला लगवा दो और बचने की कोशिश करो। मैंने जरा ये स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा भाई बताइए ये आपको बनाने में कितना खर्चा लगता है। साल भर उनके साथ माथा चप्पच्ची चलती रही मेरी, वो बाएं दाएं हो रहे थे। मैंने बारीकी से सब ढूंढना शुरू किया और भाइयों बहनों, जो स्टैंड 25,000, 35,000, 40,000 में लगता था, वो आज 5 या 6 हजार में लगाने के लिए मैंने मजबूर कर। जो 1.5 लाख में लगता था, वो 22-25 हजार में लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मुझे बताइए, ये जिनका गया वो मुझे माफ करेंगे क्या? करेंगे क्या? तब मुझे आपकी मदद लगेगी भाइयों, तब मुझे आपकी मदद लगेगी। दवाइयां, सामान्य व्यक्ति को जो दवाइयां लगे, 700-800 दवाइयां ऐसी जो आम तौर पर गरीब मध्यम वर्ग व्यक्ति को बारी बारी से कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, परिवार में एकाध बीमार हो जाए तो भी जरूरत पड़ जाती है। कोई दवाई की कीमत 600 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया। हमने दवाई वालों को बुलाया, मैंने कहा क्या रखा है भाई, ये लूट क्यों रहे हो, कुछ तो ठीक ठाक करो। 2 साल तक चर्चा चलती रही और आज 700 से ज्यादा दवाइयां जो कभी 300 रुपए में मिलती थी वो 30 रुपए में मिलने लग गई। भाइयों, गरीब आदमी को दवाई मिली। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत आज वैसी जेनरिक दवाइयों की दुकानें खोली जा रही हैं जहां गरीब व्यक्ति कम पैसों से वही दवाई प्राप्त कर सकता है जो बड़ी बड़ी ब्रांड और बड़े बड़े पैकेजिंग में आती है, वही दवाई सस्ते में उसको खुली मिल सकती है। ये हमने कानूनन व्यवस्था कर दी है भाई। हमारे देश का किसान प्राकृतिक आपदा का शिकार होता रहा, कभी बफ वर्षा कम हो तो भी घाटे में, ज्यादा हो तो भी घाटे में, बारिश हो जाए तो भी घाटे में, न हो जाए तो भी घाटे में, ईश्वर भरोसे उसकी जिंदगी गुजरती थी। हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, किसानों को पानी पहुंचाने का अभियान चलाया है। अब उसके साथ पहली बार देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं और मैं हिमाचल के किसानों से आग्रह करूंगा कि इस फसल बीमा योजना का आप ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। ये ऐसी योजना है, इस देश में कभी किसानों को ऐसी सुरक्षा पहले कभी नहीं मिली है। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेते हैं तो अगर 100 रुपये का खर्चा है तो किसान को सिर्फ 2 रुपया देना है, 98 रुपया सरकार देगी। और मान लीजिए किसान ने अपना खेत तैयार कर दिया, जोतने की तैयारी कर दी और सोच रहा था बस बारिश आ जाए तो बुआई कर दूंगा, लेकिन जून में बारिश नहीं आई, जुलाई में नहीं आई, अगस्त में नहीं आई, बुआई हुई नहीं तो फसल तो हुई नहीं, फसल हुई नहीं तो बर्बाद भी नहीं हुई। हम ऐसा बीमा लाए हैं कि अगर आप बुआई भी नहीं कर पाए तो भी आपको बीमा मिलेगा और आपका साल बर्बाद नहीं। हम ऐसा बीमा लाए हैं कि फसल तैयार हो गई, अब बस मंडी में जाने को तैयार है, खेत में उसका ढेर लगा करके बैठे हैं और 15 दिन के भीतर भीतर मंडी में जाने से पहले
अचानक ओले गिर गए, अचानक बारिश आ गई, बर्बाद हो गया, तो फसल बीमा में उससे भी आपको पैसा मिलेगा, ऐसी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है और जिसका लाभ आने वाले दिनों में हिमाचल के फल उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। ये जितने बोतल में सब पानी बेचते हैं ना, कलर वाले, कितने महंगे होते हैं, कोका कोला, फैंटा, पेप्सी, न जाने क्या क्या। हमने उनको कहा है, भाई ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए, सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले, मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा। भाई बहन,